अभी हमारे साथ है अनु खनकवाल, जो कि हरियाणवी डांस इन्होंने अभी यहाँ पे किया है, कार्यक्रम था। इनसे बात करते हैं कि संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अनु जी, आप ये बताइए, हरियाणवी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति पहले की भांति अब इस समय किस कौन सी जगह पे है? अभी हमारी संस्कृति को जो हमारे बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। और मेरा मतलब ये मानना है कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या ड्रेसेस पहनते थे, उनकी क्या ज्वेलरीज होती थी, ये सब हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं हर हरियाणवी प्रोग्राम में एक्टिव रहती हूँ ताकि हमारे बच्चे ये चीज़ें सीखें। जैसे आजकल अगर बात करें, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, अलग अलग तरह से अपनी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन कोई भी अगर बात करे तो हरियाणवी, राजस्थानी इस तरह की ड्रेसेस डाल के पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी दिखाई नहीं देता सोशल मीडिया पे भी। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ अनु प्रदीप नागर से, और मेरी आपको हरियाणवी रील्स मिलेंगी। मैं हरियाणा के गानों पे बनाती हूँ, चंद्रावल के बहुत से गानों पे मैंने रील बनाई, और मुझे जो ये आजकल रिमिक्स कर देते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमारे पुराने गानों पे ही रील उठा के बनाती हूँ। आप देखिए इंस्टाग्राम पे मेरी काफ़ी रील है हरियाणवी ड्रेस में और हरियाणवी गानों पे हमारे पुराने। चलो, कैसा लगता है जैसे इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उसके बाद लोगों की एक तरह से सपोर्ट भी मिलता है, तब कितनी खुशी होती है? मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं जितने भी प्रोग्राम में जाती हूँ ज़्यादातर मुझे यही कहा जाता है, आप चंद्रावल की याद दिलाते हो हमें। तो मैंने बहुत से प्रोग्राम किए। मैं अभी अम्बाला भी हरियाणवी डांस करके आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट में मैं फ़र्स्ट आई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ मैं, रंगोत्सव प्रोग्राम हुआ था हमारा, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आई थी, स्टेट लेवल करके आई हूँ मैं। तो मुझे बहुत पसंद है अपना कल्चर, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हरियाणा के कल्चर को देखें, सीखें और उसके बारे में जानें। तो बच्चों को जैसे एजुकेशन के साथ साथ आप मानते हैं कि कल्चर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, सभी तरह की एक्टिविटीज है उसमें भाग लेना? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे को सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए। ऑलराउंडर, उसको ऑलराउंडर होना चाहिए, हर तरह से डेवलपमेंट, मतलब बच्चे को सिर्फ पढ़ना ही उसकी डेवलपमेंट नहीं है, उसे हर फील्ड में आगे होना चाहिए, यही उसकी डेवलपमेंट है। हमें ग्रेजुएशन में या बीएड में बताया जाता था, जब हमें टीचर बनाया गया था, कि आप हर बच्चे को उसकी कला को भी निखारो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उसको आगे लाओ हर चीज़ में। थैंक यू, थैंक यू।